तुम इसे लेके यहाँ चली आई? भैया के हत्यारे के बेटे को अपना बेटा बनाकर यहाँ लाने का तुम्हारा दिल कैसे किया माँ? भैया की जगह लेने के लिए इसमें ऐसा क्या है, इसकी क्या हैसियत है माँ? इसे यहाँ देखकर मेरा खून खौल रहा है माँ। ए, इसे बेटा बनाकर लाने के लिए मैं बांझ हूँ क्या? इस घर में एक नौकर की हैसियत से मैं इसे यहाँ लेकर आई हूँ। इसे देखकर ना मेरी भी जान जल रही है। जिस तरह मैं अपने बेटे को खोकर तड़प रही हूँ, उसी तरह वो मल्लिकार्जुन भी अपने बेटे से दूर रहकर उसी तरह तड़पना चाहिए, इसीलिए मैं इसे यहाँ लेकर आई। ए, तेरी परछाई भी मेरे घर पर नहीं गिरनी चाहिए। आज के बाद तू बंगले में नहीं उस तबेले में रहेगा, चल जा। मामा मामा, ये टूट गया, इसे ठीक करके दो ना मामा, मुझसे नहीं हो रहा है। क्या हुआ मौसी? तुम्हारी सासू माँ ने खाना खाया? नहीं पिताजी, मैंने उनसे बहुत कहा लेकिन वो नहीं मानी। पार्वती, खाना क्यों नहीं खाया तुमने? वनवास में गए रामचंद्र जी, 14 साल के बाद घर वापस आ जाएंगे विश्वास था, लेकिन मेरा बेटा कब आएगा पता नहीं। मैं किस उम्मीद से खाना खाऊं? मैंने अपने बेटे को राजकुमार की तरह पाला है और मेरा बेटा वहां कैसे होगा, क्या कर रहा होगा? अरे भैया, ये आप क्या कर रहे हैं भैया? हजारों लोगों को काम देकर कितने घरों में चूल्हा जलाया है आपने? आपको ये काम करना शोभा देता है क्या? आप हटिए, ये काम करने के लिए मैं हूँ ना, आप जाइए वहाँ बैठिए, जाइए बैठिए, लाइए मैं करता हूँ। अरे नहीं सुंदर, ये मेरा कर्तव्य है। भैया, आप तो बड़े मालिक की बात रखने के लिए आकर ये सारा काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी माँ, इसमें उनकी क्या गलती है? पूरे परिवार का पेट भरने वाली वो माँ, आप उनसे दूर चले गए तो एक दिवाला भी नहीं खा रही है, भूखे रह रही है वो। मालिक, 10 बजे फैक्ट्री में बोर्ड की मीटिंग है, जल्दी निकलना सही होगा। मुनीम जी, जिस दिन मैंने सावित्री बहन को जुबान दे दी तब से ये उनका बेटा हो गया। इसका यहाँ आना ठीक नहीं है, कहिए कि ये दोबारा यहाँ ना आए। मैं यहाँ आपका बेटा बन के नहीं आया, सावित्री जी का बेटा बन के आया हूँ। मंदिर की सारी जिम्मेदारी मेरी है, इसलिए मंदिर की चाबियां लेने आया हूँ। आप गाड़ी निकलवाइए। हाँ माँ। सूर्या, कैसा है बेटा? मैं ठीक हूँ माँ। माँ, खाने पे नाराज होना अच्छी बात नहीं है माँ, मेरी फिक्र मत करो माँ। कैसे तुम्हारी फिक्र ना करूं बेटा, तुम कैसे हो, क्या कर रहे हो, ये सोचती रहती हूँ। माँ आपके कहने पर ही खाना खाएंगी, लीजिए। शर्ट पहने ही जा रहे हैं, अब मैं शर्ट लेकर आऊं क्या? हाँ, ले। ठीक है पिताजी, मैं अभी आई। हाँ
पिताजी। पिताजी वो आप माथे पर टीका लगाए बिना जा रहे हैं, एक मिनट रुकिए मैं लेकर आती हूँ। पिताजी पिताजी आप बाहर जाने से पहले एक लोटा पानी पीकर जाते हैं ना, एक मिनट रुकिए मैं पानी लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है लेके आ जाओ। ये लीजिए। क्या हुआ बेटी? हाँ? तुम्हारी सासू माँ ने खाना खा लिया? ये सिर्फ मंदिर की चाबियां नहीं है, एक परिवार की इज्जत है, इसकी रक्षा तुम अच्छे से करोगे, मुझे यकीन है। परिवार की इज्जत की रक्षा कैसे करते हैं ये मेरे पिताजी ने मुझे अच्छी तरह से सिखाया है। मैं चलता हूँ। नमस्ते। रोको रोको, रामपुर आ गया। रामपुर वाले जल्दी जल्दी उतरो, चलो चलो जल्दी जल्दी उतरो। भाई आराम से उतरिए, सीढ़ी टूट जाएगी। अपने बाप की बस समझ के बैठा था। चलो आगे बढ़ो। नाचो नाचो नाचो। अरे वाह रे वीरभद्र, ओपनिंग तो धमाल लग रही है। तू जेल से छूटा है पूरे गांव को पता चल गया क्या? हार बैंड बाजा फुल सेटअप के साथ पूरी गैंग आ रही है तेरे पास। मजा उठा मेरे राजा। इधर आ। क्या है? क्या रे भाई इधर खड़ा है, और तू कहाँ जा रहा है? तुम भाई हो या किसी मटन की दुकान के कसाई हो, मुझको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरे दादाजी पहाड़ सिंह, उनके दादाजी चट्टान सिंह चल बसे हैं, उन्हीं के लिए मैं अपने पूरे गैंग के साथ ये हार लेकर उनकी अंतिम यात्रा में जा रहा हूँ। तुम कौन हो? पहाड़ सिंह के दादा के बाबा क्या? हाँ। मुंह तोड़ दूंगा तेरा। भाई को हार पहनाने की बजाय लाश को हार पहनाने जाएगा? मेरे को पहना? ए दिमाग खराब हो गया क्या? लाश को पहनाने वाली हार खुद पहनना चाहते हो? साइड में हो जाओ वरना सुला दूंगा। ए तुम लोग क्यों चुप हो गए, बजाते रहो। बजाओ बजाओ रे। चल बना नट। रुक जाओ रुक जाओ। सब लोगों ने भाई की बहुत इज्जत की, मुझे बहुत खुशी हुई। सारे फंटर लोग अपने घर को निकल लो। मैं अपनी बहन के घर चला। चुप बैठ वरना बहुत मारूंगा। दीदी दीदी दीदी, हे भगवान ये क्या हो गया? अरे बहन ये क्या हो गया? हमारे सुन्ना ने ये क्या किया दीदी? हाँ वीरभद्र, हम सबको अकेला छोड़कर वो चला गया। मेरे सुन्ना, हम सबको छोड़ के कहाँ चला गया? अब क्या होगा हमारा? जो होना था हो गया, तुम चिंता मत करना। इस घर में मर्द नहीं है ऐसा मत समझना। मैं आ गया हूँ ना, मैं देख लूंगा। तू कितना दुबला हो गया है ना। हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ दीदी। जब भी दीदी गौरी ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ। अच्छा दीदी हाँ? वो कावेरी है ना? दीदी हाँ? किसी बड़े आदमी को काम पे रखा है ना, वो कहाँ है? वो देख वहां। हे तेरा नाम क्या है? हे गौर क्या रहा है? भाई नाम पूछ रहा है तेरा, नाम बता तेरा। सूर्य। ऊपर से सीधे नीचे आ गया। नाम सूर्य है सोचकर जलाने मत जाना, नहीं तो खुद जल के राख हो जाएगा। भाई आ गया है ना, सब कूल रहेगा। मैं कौन हूँ पता है? हैं? भद्र, वीर भद्र। ऐसे क्या देख रहा है बे? मैं स्वर्णा का चचेरा मामा हूँ।
भाई बस में सफर करके बहुत थक गया है। भाई के लिए चारपाई और बिछोने का बंदोबस्त कर। अगर आज मेरा सोना भांजा होता ना तो कहने से पहले ही चारपाई डाल चुका होता। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अब जरा पैर भी दबा देगा तो और अच्छा लगेगा। ए, पहुंच का दे रहा है, जा जा अपना काम कर ना। मालिक, ये छोटे मालिक की शादी का एल्बम। अंदर जाकर दे दो। मालकिन, ये मालिक ने आपको देने के लिए कहा, मैं चलता हूं। आइए दामाद जी। वाह 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 वाह, इतने प्यार से पुकारने के बजाय अगर आप मुझे माल पानी दे देते तो मुझे ज्यादा खुशी होती। देखना कौन आया है। आप आइए ना, आप ठीक है ना? ऐसे कैसे ठीक हो सकता हूँ मैं, उसका क्या हुआ? ये आप क्या कह रहे हैं? आहा, स्टेज पर खड़ा कर दिया ना तो दोनों माँ बेटी स्टेज को हिलाकर रख देंगे। देखो अब ज्यादा नाटक मत करो, 20 तोले सोने के गहनों का क्या हुआ? गहने गहने करके आप क्यों परेशान कर रहे हैं? मैं पैसे कहाँ से लाऊंगी? यहाँ तो हम पेट भर खाना भी नहीं खा पा रहे हैं। शाबाश, आप तो कहानी बनाने में भी बहुत माहिर हैं। फिलहाल आपको किस बात की कमी है? पूरे गांव का पेट भरने वाले महाशय को घर में लाकर रखा हुआ है। सबको भर भर के देने वाले से मुझे थोड़ा छीन छीन कर दे देती तो मैं भी अपने इस सोना को सोने से सजाकर मस्त डुएट गाना गा सकता था। आपने तो आपके बेटे के बदले में दूसरा बेटा एक्सचेंज कर लिया। आपकी लाइफ तो चेंज हो गई, लेकिन मेरी लाइफ में कोई चेंज ही नहीं आया। मुझे माल तो मिला ही नहीं। ताश खेलने क्लब में जाता हूँ तो सब मुझे जोकर समझ लेते हैं। सिगरेट लेने जाता हूँ तो दुकानदार सिगरेट पीकर धुआं मेरे मुंह पर उड़ाता है। दारू पीकर टेंशन दूर करने के लिए बार में जाता हूँ तो सब शराबी मुझ पर उल्टियाँ कर देते हैं। जबान से पलटने वाले लोगों की बेटी से शादी क्यों की साले गधे के बच्चे बोलकर सब मुझ पर थूकते रहते हैं। ये बेइज्जती मैं कब तक बर्दाश्त करूंगा? लेकिन दामाद जी आप मेरी बात। बस हो गया, बस हो गया। आपकी बात सुन सुनकर मेरी सहन शक्ति मुझे छोड़कर जा चुकी है। तन्हा दिल, अकेलापन और उम्र भी बढ़ती जा रही है। देखिए, मैं आपको 6 दिनों की मोहलत देता हूँ। तब तक 20 तोले के गहने बनाकर आपकी बेटी को घर में भेज दीजिए। नहीं तो आज भी मुझे 60 तोले के गहने देकर धूमधाम से मेरी शादी करवाने के लिए एक और मालदार पार्टी तैयार बैठी है। 6 तारीख का मुहूर्त है, आपको भी शादी का कार्ड भिजवा दूंगा। शादी में आकर आशीर्वाद देकर खाना खाने आ जाना। मैं अब आता हूँ, नहीं चलता हूँ। जब रहते हैं एक ही बात सुनने को मिलती है, ये गाड़ी भी खटारा हो चुकी है। शादी के बाद सीधा जब तक सोना मेरे हाथ में नहीं आएगा तब तक माँ बेटी कोई मेरे पास नहीं आएंगे। भाग यहाँ से। पापा पापा, मुझे भी आपके साथ आना है। एक बार कहा, समझ में नहीं आता क्या? भाग यहाँ से। दीदी, क्या हुआ? दीदी तुम ऐसे बैठ के क्यों रो रही हो? क्या बताऊं वीरभद्र, अगर कुछ दिनों में 20 तोले गहने नहीं दिए तो दूसरी शादी कर लूंगा ये बोल के गया है। कहां से लाऊं मैं 20 तोले सोने के गहने? अब तो मेरा बेटा भी नहीं है जो हमारी मदद कर। ऐसा कहा उसने? उस काले भैंसे को 20 तोला सोना चाहिए। हा? उसे क्या लगता है कोई पूछने वाला नहीं है? मैं उसका वो हल करूंगा, वो सीधे गौरी के पास आएगा, नहीं तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ए! 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 ए रामचंद्र, कहाँ बे तू? रामचंद्र, ड्रामा कंपनी खोलकर हमारे साथ ही ड्रामा करता है बे। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तुम लोग जाओ, मैं इसे संभाल लूंगा। क्या रे वीरभद्र, क्या चीज है तू जानता नहीं है क्या? मेरे दीदी के घर जाकर नाटक करता है। हाँ, तुझे कोई बोलने वाला नहीं ऐसा समझ रहा है क्या? तू शादी करेगा, घर बसाएगा, बच्चे पैदा करेगा, बाद में वो ठीक नहीं है बोलकर दूसरी शादी करेगा और हम तेरी शादी में आकर खीर चाटते रहेंगे क्या? देख, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। ये अच्छा है, ब्रांड चेंज करके भी फ्रैंक है यहाँ। आई लाइक इट, आई लाइक इट।
आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं ही थोड़ा इमोशनल हो गया था। लोग शादी क्यों करते हैं? मुसीबत की घड़ी में अपने पत्नी के गले का, कान का, नाक का बेचने के लिए है ना। अब वो आपको सोने के गहने नहीं दे रहे हैं तो दूसरी शादी करने में क्या हर्ज है? थोड़ा ज्यादा डालिए, ज्यादा ज्यादा ज्यादा। अरे म्युनिसिपैलिटी के पानी की तरह रुक रुक के क्यों डाल रहे हो भाई, थोड़ा ज्यादा डालना। ला, ला, ला। बस मेरे हिसाब से बेटी की खुशी के लिए एक माँ को सब कुछ बेच देना चाहिए। इसके बाद आपको गलत ठहराएंगे तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। आपकी कोई गलती नहीं है भाई। नहीं नहीं, ग्लास में नहीं, पूरी बोतल दे दो। पांच दिन का टाइम देकर बहुत बड़ी गलती कर दी। कल का मुहूर्त अच्छा है, फटाफट शादी कर लो। प्लीज। तेरी शादी में मैं बॉडीगार्ड रहूंगा, ठीक है ना? आज बहुत खुश हूँ।